फ्रेंड्स वेलकम टू www.onlyvedas.com। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। 12 घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, मैं 9 एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आज कंक्लूडिंग है। तो टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 एंड हाउस नंबर 9। हाउस नंबर 3 आपका सहज भ्राता ब्रदर का होता है और इसे जेमिनी बोलते हैं, मिथुन, और इसका जो प्लैनेट है मरकरी बुध। अब भ्राता हैं तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, अब ब्रदर एंड सिस्टर्स भी छोटे, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कई बार देखा गया है कि भाई बहन के रिलेशंस अच्छे होते हैं, कई बार नहीं अच्छे होते हैं। कई बार देखा है, आजकल तो ज़्यादातर देखा है कि एक एक ही चाइल्ड है, तो वो इस हाउस में क्या है कि ब्रदर एंड सिस्टर्स के रिलेशंस है ही नहीं है, तो ब्रदर सिस्टर्स नहीं होते। फिर होंगे तो रिलेशन नहीं अच्छे नहीं होंगे, लड़ाइयाँ रहेंगी, या हैं तो बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, यू विल बी गेटिंग सपोर्ट ऑल्सो। तो वो यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो यहाँ से फिर फैमिली ब्लिस भी आ जाती है आपकी। फिर यहाँ पे ये करेज है, बोल्डनेस है आपका, आप कितने करेजियस हैं, कितने बोल्ड हैं, आप क्या डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। और फिर इसमें शॉर्ट जर्नीस, शॉर्ट जर्नीस का मतलब ये है कि आप जॉब के लिए थोड़ा दूर जा रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो कोई मेरठ से अप डाउन कर रहा है, कोई गुड़गांव से अप डाउन कर रहा है, तो शॉर्ट जर्नीज रहेंगी आपकी, बट दैट विल बी योर प्रोफाइल और लाइफ। अब ये आपका थ्रोट है, तो आप इसके थ्रोट की डिजीज़ भी रहेंगी आपकी, और अगर स्टार्स अच्छे हैं, प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो आपका थ्रोट अच्छा रहेगा, तो आप सिंगर बनेंगे। तो थ्रोट से रिलेटेड चीज़ें ऐसे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली हाउस नंबर 3। नाउ हाउस नंबर 4, फोर माँ मात्र मदर का है, कैंसर, इसका हाउस का ग्रह का नाम है कैंसर, कर्क, कर्क राशि है, और इसका जो प्लैनेट है वो मून चंद्रमा है। तो माँ है, चंद्रमा है, इसका मतलब शांति हो गया, ठीक है। माँ है, मातृभूमि है, फिर आपका घर कैसा होगा तो वो प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है, प्लैनेट्स बेनिफिक हैं तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। कई बार देखा गया है कि घर के अंदर मदर का रोल प्रेडोमिनेंट होता है, या मदर रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और जो भी है जैसा है, मदर पे मदर का प्रोमिनेंट रोल है, मदर का रोल है नहीं है, तो वो इस हाउस पे डिपेंड करता है। बिकॉज माँ है, चंद्रमा है, तो मेंटल पीस भी आ गई, शांति। तो अभी क्या है कि आपके चाइल्ड और आपके उसके माँ के रिलेशन से ही है चीज़ें, तो फिर मदर अच्छी है तो व्हीकल भी रहेगी आपके पास, गाड़ी घोड़ा होगा चलाने के लिए, गुड एजुकेशन होगी, बचपन आपका अच्छा गुजरेगा, ठीक है। इसमें चेस्ट एंड लंग्स, तो इसमें कई बार देखा गया है कि कई लोगों को चेस्ट की दिक्कत रहती है, लंग्स की दिक्कत रहती है, खांसी जुकाम रहता है, तो वो इस हाउस से पता चल जाता है कि आपका जो हेल्थ कैसी है, और आपका मदर कैसी है, और आपका घर कैसा रहेगा, चाइल्डहुड का, मदर से आपको क्या बेनिफिट है, या मदर का बेनिफिट है नहीं है, वो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। नाउ हाउस नंबर 9, 9 इज़ बेसिकली लक है, सेगिटेरियस बोलते हैं, धनु, जुपिटर इसका प्लैनेट है, बृहस्पति। तो बिकॉज जुपिटर है, बृहस्पति है, तो एक तो रिलीजन आ गया इसके अंदर, तो इसमें जो भी पर्सन का हाउस या बेनिफिक है तो वो रिलीजियस माइंड होगा और हायर स्टडीज़ करेगा। हायर स्टडी में कई बार देखा गया है, आजकल तो लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करते, तो कई बार देखा है कई लोगों को बहुत पढ़ने का शौक़ होता है, लोग डॉक्टरेट करते हैं, लोग फर्दर स्टडीज़ करते हैं, लोग लैंग्वेजेस के मास्टर होते हैं। जो लैंग्वेजेस के मास्टर होते हैं वो एक लैंग्वेज के मास्टर नहीं होंगे, वो कई लैंग्वेजेस में मास्टर होंगे, बिकॉज उनको पढ़ने का शौक है, ठीक है, इसे डॉक्टरेट होगा। अब इसमें लॉन्ग जर्नीज है, अब आप एक फ़िलासफ़ी के पर्सन हैं, एक हाई स्टैंडर्ड के बंदे हैं, आपका लाइकिंग अलग है आपकी, तो आप कि लॉन्ग जर्नीज देंगे, जो लॉन्ग जर्नीज मीन स्टेट टू स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, बिकॉज आपका प्रोफाइल उस हिसाब का हो गया। फिर इसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग है यहाँ पे। कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग नहीं होती, होती है तो सपोर्ट इतनी नहीं होती, वो जो कुछ भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी उनका है, वो ग्रैंड पेरेंट्स है। तो ग्रैंड पेरेंट्स कुछ भी हो सकता है, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी हो सकता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स की सपोर्ट रहेगी, दे विल बी वेल ऑफ, और उन्हीं की सपोर्ट से आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। फिर अगेन, बिकॉज ये थोड़ा सा फिलोसफिकल, अगेन योगा एंड मेडिटेशन, तो आप बिकॉज ऑफ फिलासफर टाइप हो, आपको स्टडीज़ में आपका ध्यान की तरफ है, तो योगा और मेडिटेशन आपका यहाँ से पता चलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी ये कंक्लूड कर दिया, आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल है,
और मेरा फेसबुक में भी मेरा प्रोफाइल है www.onlywithus.com. आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक इट एंड फॉरवर्ड इट, शेयर इट एज मच एज यू कैन. थैंक यू माई फ्रेंड्स.